So now we are going to cover block 3, unit 2, measurement of conceptual thinking, Binet and Wechsler scale. तो बिने एंड वेस्लर स्केल पे हमने पिछले यूनिट में भी काफ़ी डिस्कशन कर लिया था, तो उसमें अगर कोई नई चीज़ होगी ओनली दैट आई विल बी डिस्कसिंग, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो उसमें बीच में यू कैन ऑलवेज आस्क, और जो नई चीज़ है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसमें जो कंसेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या कंसेप्चुअल थिंकिंग होती क्या है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट जो है दो ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। कॉन्क्रीट इज समथिंग विच यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फिजिकली एक्सपीरियंस, है ना, वो कॉन्क्रीट हो गई। एब्स्ट्रैक्ट वाली है यू द थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्सपीरियंस थ्रू योर फाइव सेंसेस, वो जो है एब्स्ट्रैक्ट हो गई। और कहीं कहीं इसको कंसेप्चुअल थिंकिंग भी बोला जाता है, कि जैसे एक मैं बात बोलूं कि स्कूल यूनिफॉर्म, सो आई हैवेंट मेंशनड एनी स्कूल, आई हैवेंट मेंशनड एनी कलर, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई जो है स्कूल की यूनिफॉर्म आई होगी, या कई सारी स्कूल की यूनिफॉर्म आ गई होंगी व्हेन आई स्पोक द वर्ड स्कूल यूनिफॉर्म। सो स्कूल यूनिफॉर्म इज ए कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जो है ये एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज में आती हैं, और इनका यूज़ जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत होता है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो एनिमल्स भी करते हैं, ऐसा नहीं कि एनिमल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते हैं, लेकिन उनमें एनिमल्स में उनकी थिंकिंग में इतना एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल लेवल थिंकिंग नहीं होता जितना ह्यूमन बींग्स में होता है, और यही सबसे की डिफरेंस है एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में। वी कैन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, वी कैन कंसेप्चुलाइज थिंग्स, वेदर एनिमल कैन नॉट, उनको जो है कॉन्क्रीट फॉर्म में ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्टिंग में एक चीज़ और आती है कि हम जो है जैसे बहुत सारी चीज़ें देखी तो उनका अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है हमने समझ लिया कि भाई अंडरलाइंग जो यूनिफाइंग प्रिंसिपल जो कॉमन सब में क्या, जैसे हमने बहुत सारे स्कूलों में गए तो हमने हर स्कूल में देखा कि यूनिफॉर्म है, तो ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि स्कूल है तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, ये किसी ने कहा नहीं, हमको अपने आप समझ में आ गया। तो इस तरह से जो डाइवर्स ऑब्जर्वेशंस हमारी होती हैं, डाइवर्स मटेरियल जो हम देखते हैं उसमें हम जो है कॉमनैलिटी या यूनिफाइंग आइडिया जो निकालते हैं उसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, दैट इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ये कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे पास में उसमें जो है वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कॉमनैलिटी क्या है, कॉमन क्या चीज़ है उनमें, यूनिफाइंग आइडिया क्या है, हाउ वी कनेक्ट विद देम, हाउ दोज थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और वाई दे आर डिसकनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंसेस क्या है, चाहे हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं या डिफरेंसेज देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन तो कर ही रहे हैं। और ये चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेंसरी ऑब्जर्वेशन के बाहर होती हैं। तो जब हम कोई एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म देख रहे हैं तो वो हम ये थोड़ी देख रहे हैं कि दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म किस कलर की, हम तो एक देख रहे हैं, फिर दूसरी देख रहे हैं, फिर तीसरी देख रहे हैं, तो अपने आप ही हमारे दिमाग जो है ये उनको कनेक्ट कर रहा है कि भाई हर स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, या इस स्कूल की यूनिफॉर्म सेम है या इस की डिफरेंट है। तो जो हमने नहीं भी उस टाइम सेंसरी लेवल पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी हमारे दिमाग में कनेक्ट हो जाती है उस चीज़ से जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हम जो है सेंसरी लेवल पे ही एब्स्ट्रैक्शन करें, सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भी जो है मैं उनमें आपस में यूनिफाइंग आइडिया कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जितने भी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, तो इनको भी हम मेंटली करते हैं ना, कि जैसे चार चीज़ों का रेट कितना हुआ तो हमने प्लस कर लिया, फिर टोटल हो गया, फिर उसमें 10% डिस्काउंट है तो हमने मेंटली 10% निकाला, माइनस किया, ये सब एब्स्ट्रैक्शन है। कि हमें जो है प्रिंसिपल पता है, उनमें कॉमन चीज़ें क्या पता है, बस हमने कर लिया है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये समझाने देते हैं कि आगे इसी का सारा कुछ आएगा, कॉन्सेप्ट लेवल पे ही सारा ये यूनिट है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें जो लास्ट वाली लाइन लिखी है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज ए रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ थिंकिंग दैट इंक्लूड्स आस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल, क्रिएटिव एंड मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग। तो क्रिटिकल में तो होता है ना कि हम एग्जामिन कर रहे होते हैं कि सही गलत, अच्छा बुरा, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल, है ना,
बेटर गुड ये सब होता है। क्रिएटिव में ऑफ कोर्स आगे हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे क्रिएटिव में क्या क्या होता है। क्रिएटिव में जो है हम एक तो नोवल्टी देख रहे थे, नयापन क्या है, नोवल्टी मीन्स नयापन, और दूसरा यूटिलिटी कि उसका कोई फायदा भी होना चाहिए। तो क्रिएटिविटी में नोवेल्टी एंड यूटिलिटी वाली बात आती है कि इट शुड बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। और मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग में वी आर थिंकिंग कि हाउ वी आर थिंकिंग, कि हम जो है सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हैं कि डिफरेंसेस ढूंढ रहे हैं, हैं या इनमें जो है जो कैसे ये आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं ऐसे सोचते हैं, ये सब मेटाकॉग्निटिव। हाउ वी डिसाइड टू थिंक उसके बारे में जब हम सोचते हैं दैट इज मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग। तो ये सारी चीजें कंबाइन होती हैं कंसेप्चुअल या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में। ठीक है, एक एक करके आगे हम और धीरे धीरे इनको देखेंगे कि इनका कैसे लेते हैं। अब जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है होती क्या 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 है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो मैंने बोला है उसी को जो है फॉर्मल तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। एक तो पहला पॉइंट है टू डिटैच अवर ईगो फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड और फ्रॉम इनर एक्सपीरियंसेस। तो हम जो अंदर जो है किसी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होते हैं अपने आप से, बाहर वाली चीज़ों की वजह से नहीं, खुद अपने आप जो कर रहे होते हैं, तो उसका आउटर वर्ल्ड से लेना देना नहीं होता है। और वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले एक्सपीरियंस की हो, जो हमने एक्सपीरियंस नहीं की हो उसके बारे में भी हो सकता है। ठीक है, और टू एज्यूम ए मेंटल सेट, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना मेंटल सेट होता है, हम एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं, आइंस्टाइन जो हमने पढ़ा था एक ही तरीके से सोचते आते हैं। तो हम सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हैं तो माइंड सेट हमारा हो गया कि सिमिलैरिटी ही ढूंढना है, डिफरेंस ढूंढना है तो माइंड सेट हो गया डिफरेंसेस ही सिर्फ ढूंढने हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में ये भी होता है, मेंटल सेट भी होता है। और टू वर्बलाइज द अकाउंट, तो हम जो भी कर रहे होते हैं मेंटली, तो मेंटली जो है हम कुछ बोल रहे होते हैं अपने आप से, थॉट प्रोसेस लेवल में कोई तो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, कुछ तो कह रहे होते हैं कि हमने अच्छा इसमें ऐसा है तो फिर उसमें ऐसा होगा, मेंटली वो चल रहा होता है। तो वर्बलाइज का मतलब जरूरी नहीं कि हम फिजिकली वर्बलाइज करें, मेंटली भी कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि हम एक एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन से दूसरे एस्पेक्ट पे करें, कि जैसे कि अच्छा इनकी स्कूल सभी स्कूलों की शर्ट किस रंग की है, ये एक एस्पेक्ट हो गया, फिर जो है पैंट या स्कर्ट्स किस रंग के हैं या फिर शूज किस रंग के हैं, तो ऐसे मंडे को कौन सा है सैटरडे को कौन सा है, ऐसे हम शिफ्ट कर रहे हैं एक सिचुएशन टू दूसरे सिचुएशन में, गेम्स में क्या पहनते हैं, तो इस तरह से वो भी एब्स्ट्रैक्शन है। एंड टू होल्ड इन माइंड साइमल्टेनियसली वेरियस एस्पेक्ट्स, ये भी है कि हम सिमिलैरिटीज भी एक साथ ढूंढ सकते हैं, हम जो है डिफरेंसेस भी ढूंढ सकते हैं, हम उनमें जो है इंटरकनेक्शन भी देख सकते हैं। तो वो है कि भाई सभी स्कूल जो है संडे को बंद रहते हैं, तो ये इंटरकनेक्शन हो गया सबका कि भाई कॉमन चीज़ है कि, और जो गवर्नमेंट हॉलीडे है उसमें बंद रहते हैं तो गवर्नमेंट की हॉलीडेज वाले दिन भी जो है स्कूल जाना बेकार है। फिर जो है जो एब्स्ट्रैक्ट जो है, अच्छा फिर देन वी ब्रेकअप द गिवन होल इंटू पार्ट्स, जैसे अभी मैंने यूनिफॉर्म वाला एग्जाम्पल दिया, तो यूनिफॉर्म में अलग अलग चीज़ें हो गई, इसी तरह कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया भी हो सकता है, उसको हम ब्रेक करते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स में, तो समझने में ईजी हो जाता है। कोई भी चीज़ जो है चाहे वो एकेडमिक हो या रियल वर्ल्ड की हो, जो डिफिकल्ट लगती है ना उसको सीखने का सबसे आसान तरीका ये होता है स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स में ब्रेकअप कर दो एंड देन यू लर्न इट। जैसे लैंग्वेज भी एब्स्ट्रैक्शन है, लैंग्वेज इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्शन। तो लैंग्वेज हम क्या करते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक करते हैं, पहले अल्फाबेट्स करते हैं, फिर वर्ड्स करते हैं, फिर सेंटेंसेस, ग्रामर, फिर पैराग्राफ, फिर ऐसे है ना, फिर नॉवल, ऐसे ये सब जो हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हम जब ABC से शुरू करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जो है यही कर रहे होते हैं हम बेसिकली। फिर दे फॉर्म हायरार्किकल कॉन्सेप्ट्स, कि जैसे कि एजुकेशन बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, फिर एजुकेशन के नीचे जो है कॉलेज, फिर स्कूल्स, फिर क्लासेस है ना, फिर इंडिविजुअल टीचर्स स्टूडेंट्स ऐसे सेक्शंस जो भी है, ये सब जो है हायरार्किकल कॉन्सेप्ट्स हो गया। और हम जो है आगे की चीज़ों को प्लान करते हैं, जैसे अभी कल तुम्हें क्या करना है आज तुम ऑलरेडी सोच रही हो, उसकी वजह से जो है अपने जो है क्लासेस को शिफ्ट करना है, अपने और कामों को एडजस्ट करना है। सो ये भी एब्स्ट्रैक्शन में आता है, जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, है ना। इसीलिए इट इज़ नॉट रिलेटेड टू आउटर वर्ल्ड और इनर एक्सपीरियंस। अभी जो कल होना है यू हैवेंट एक्सपीरियंस, बट यू आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दैट। ठीक है,
नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, वही चीजें हैं, डिफरेंट थोड़ा सा इन्होंने कर दिया है. सो आइडेंटिफाइंग ए रिलेवेंट एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट, एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है, विच आर नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसे कि बोला जाए कि एक नदी के किनारे एक शेर है, एक बकरी है, घास है और एक ही नाव है. एट ए टाइम एक ही को तुम दूसरी तरफ ले जा सकते हो, तो ऐसे ले जाओ कि जो है वो तीनों पहुंच जाए वहां पे. तो अब इसमें जो है एट्रीब्यूट क्या है कि बकरी घास खा सकती है, शेर बकरी को खा सकता है ना, एट ए टाइम एक ही चीज जा सकती है. तो इतनी सारी चीजों को हम एक साथ लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. फिर अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है, सेकंड पॉइंट वो ये है, रूल और सेट ऑफ रूल्स. जो रूल ये है कि भाई खाना नहीं चाहिए कोई भी किसी को, एट ए टाइम एक ही जाएगा, नाव एक ही है, ये सब रूल्स हो गए ना. ऐसे भी हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं. फिर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस. पहले हम सोचेंगे अच्छा हम शेर और बकरी को ले जाएं, तो फिर सोचेंगे नहीं नहीं शेर और बकरी को साथ में ले जाएंगे तो शेर बकरी को खा जाएगा. अच्छा फिर बकरी और घास को ले जाएं तो नहीं नहीं बकरी फिर घास को खा जाएगी. अच्छा खाली शेर को ले जाएं तो शेर जो है जाएगा तो बकरी घास खा जाएगी. ऐसे हम वेरियस हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, जो भी हमारे सेट ऑफ रूल्स वगैरह हैं. फिर इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जो मैंने अभी बताया कि हम वेरियस स्कूल्स देखे स्पेसिफिक केसेस और उसके बेसिस पे रूल हमने बनाया कि हमें हर स्कूल में यूनिफॉर्म होती है. ये इंडक्टिव रीजनिंग होगी. एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉसिबल, कि क्या हो सकता है उस पर हम फोकस करते हैं, है ना. अभी हुआ नहीं है लेकिन जो हो सकता है संभावनाओं पे हम जो है फोकस करते हैं. जैसे अगर हम बात करें एरोप्लेन की, तो आज से 125 ईयर्स अगो जो है कोई कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ किलो का जो है मेटल पीस जो है हवा में उड़ेगा, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे. बट ये एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉसिबल था ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कि ऐसा ऐसा होगा तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ हवा में उड़ेगी जो कि बहुत भारी है हवा से. सो ये भी एब्स्ट्रैक्शन में आता है, एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉसिबल. फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ प्लान, अचानक से जो है हम बस सिचुएशन देखी और हमने कहा ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, या ये करना ठीक है वो ठीक नहीं है, वॉट एवर मे बी द केस. और ये मैंने लास्ट पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एबिलिटी टू शिफ्ट और चेंज द हाइपोथेसिस और प्लान. जो फ्लेक्सिबिलिटी होना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन में. अगर हम एकदम बिल्कुल फिक्स तरीके से ही सोचेंगे तो फिर हम प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे. जैसे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर स्कूल की यूनिफॉर्म है, वो वाइट शर्ट है, नेवी ब्लू ट्राउजर्स या स्कर्ट हैं, ब्लैक शूज हैं. तो हमने जो है कई सारे स्टूडेंट देखे और हमने इंडक्टिव रीजनिंग करी कि अच्छा इस पर्टिकुलर स्कूल की ये यूनिफॉर्म है, फाइन. फिर मान लो एक दिन हमने देखा कि बच्चे जो है पूरी वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, तो अगर हम उसी फिक्स्ड आइडिया पर रहेंगे कि उस स्कूल की यूनिफॉर्म यही है, तो हमारा मिस्टेक हो जाएगी. तो हमको ये देखना पड़ेगा अच्छा बाकी दिन जो हमने देखा मंडे थ्रू फ्राइडे देखा, आज तो सैटरडे है, तो जो है हो सकता है कि सैटरडे को डिफरेंट यूनिफॉर्म होती हो इनकी. सो ये जो है एबिलिटी टू शिफ्ट और चेंज द हाइपोथेसिस ऑफ प्लान, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कंसेप्चुअल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग का. फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशन. अगर सेम सिचुएशन है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इफ़ यू ऑलरेडी फाउंड ए गुड सॉल्यूशन. लेकिन अगर वो सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा है किसी सिचुएशन में, तो उस पर्टिकुलर प्लान पे टिके रहना समझदारी नहीं, फिर तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए. सो वही चीज़ में लिखी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज अटेनमेंट ऑफ ए परफेक्टली करेक्ट कंसेप्ट मे नॉट बी अडेप्टिव वेन एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसिस नेसेसिटेट ए चेंज. तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है. तो इसी से रिलेटेड एक टेस्ट है, विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट. ये आगे हम पढ़ेंगे, उसमें मैं जब हम पढ़ेंगे तभी इसका डिटेल्स बताऊंगा. इसमें ये आइडिएशनल लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि आदमी की थिंकिंग कितनी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर वो एक ही पर्टिकुलर टाइप की थिंकिंग रखेगा तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो आगे व्हेन आई एक्सप्लेन दिस विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग, तो ये जो है देन यू विल रियलाइज. फिर अब इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं कि कंसेप्चुअल थिंकिंग की मेजरमेंट. तो ये कंसेप्चुअल थिंकिंग क्या है ये तो तुम समझ गई हो, अब जो है इसको मेजर कैसे करना है. तो अब इसमें जो है एक चीज़ जो है समझने की, ये जो मैं अक्सर बोलता हूँ,
जब कोई भी किसी भी तरह का इमोशन जब हाई होता है तो हमको डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारा जो है डिसीजन उस टाइम गलत होगा। सो सेम थिंग गोज विद कंसेप्चुअल लेवल थिंकिंग ऑल्सो, क्योंकि बेसिकली ब्रेन तो वही है ना, कि अगर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होंगे या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा तो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो थिंकिंग प्रोसेस डिस्टॉर्ट होगा तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इंडिविजुअल ग्रास्प नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से ये समझ लो कि जो साइकोपैथोलॉजी है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें ये देखा जाता है कि कंसेप्चुअल लेवल थिंकिंग जो है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसमें डिस्टॉर्शंस आते हैं। तो एक तो ये चीज़ समझानी थी, और हमें ये भी देखना होता है कि जो उसका थॉट प्रोसेस है वो मैल एडजस्टमेंट या मेंटल इलनेस ने इम्पेयर्ड किया है, नहीं किया है, कितना किया है, कॉन्शियस थिंकिंग में क्या फ़र्क आया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या फ़र्क आया है, हमें ये भी देखना होता है। सो जो एबिलिटी टू फॉर्म कंसेप्ट है वो जो है ट्रांसेंडिंग द इमीडिएट स्पेसिफिक सेंसरी सिचुएशन होती है। मतलब जो अभी इमीडिएटली हम सेंसरी ऑर्गन से जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके बियॉन्ड होती है। तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टी फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि सेम डे बच्चे सेम यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो हमें ये कॉमन चीज़ एब्स्ट्रैक्ट कर ली। एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग, सैटरडे को हमने अलग देखा तो वो हमने अलग देखा कि हाँ सैटरडे को ही होता, फिर उन दोनों इन्फॉर्मेशन को मिला के एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया कि भाई इस स्कूल की यूनिफॉर्म मंडे थ्रू फ्राइडे ये है और सैटरडे को ये है। और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, शिफ्टिंग फ्रॉम वन आस्पेक्ट टू अनदर, कीपिंग इन माइंड सेवरल आस्पेक्ट्स, साइमल्टेनियसली भी हो सकता है और सक्सेसिवली भी हो सकता है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। प्लानिंग आइडिएशनली, ये आइडिया लेवल पे हम सोचते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है, फिर हम खुद ही अपने आइडियाज़ में कमी भी निकालते हैं कि कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे हैं, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर तो कॉन्क्रीट लेवल पे है, तो बिहेवियर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो इट इज़ ओनली इन थिंकिंग लेवल। ठीक है, सो देन अब जो टेस्ट के ऊपर आते हैं, जो क्या क्या टेस्ट हैं, तो सबसे पहला जो इसमें दिया है जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, अब देखो ये ऊपर सबसे पहला दिया है एनालॉजीज एंड प्रोवर्ब्स, तो इसमें इन्होंने सबसे पहला जो टेस्ट मेंशन किया रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये आगे इन्होंने फिर रिपीट किया इस टेस्ट का नाम, पर मैं यहीं पे बता देता हूँ ताकि आगे फिर रिपीटेशन ना करना पड़े। तो इसमें क्या होता है, फिगर्स बनी होती है, जैसे 5 फिगर्स बनी हुई हैं, तो उन 4 फिगर्स में स्टार्टिंग वाली में कोई चीज़ जो है कॉमन होगी जिसके बेसिस पे फिगर्स चेंज होती जा रही हैं। जैसे लेट अस अज्यूम कि कोई जो है रेक्टेंगल बना हुआ है या स्क्वायर बना हुआ है और वो हर फिगर में 45 डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा है, तो हर फिगर जो है नेक्स्ट वाली फिगर जो है प्रीवियस फिगर के मुकाबले 45 डिग्री एंगल से रोटेटेड है, तो लास्ट वाली फिगर को भी हम अपने आप जो चॉइसेस दी उसमें से चूज करेंगे यहाँ पे कौन सी फिट बैठती है। तो ये मैट्रिसेस होते हैं। सो ऐसे टोटल जो है 5 सेट होते हैं, एक सेट में 12 मैट्रिसेस होते हैं, देयर आर 5 सेट्स, ईच सेट इज हैविंग 12 मैट्रिसेस, सो टोटल 60 मैट्रिसेस होते हैं। तो इसमें जो है जो स्कोर जो है वो देखते हैं, ये ऑब्वियसली जो है इसमें लैंग्वेज का मेंटल लेवल पे तो लेना देना है, लेकिन वर्बल नहीं है ये, मतलब आप आदमी को बस देखना है करना है, तो एक तरह से इसमें लैंग्वेज का ज़्यादा लेना देना नहीं है, कोई एजुकेशन का लेना देना नहीं है ज़्यादा, तो काफ़ी वाइड इसका स्कोप होता है, काफ़ी छोटी एज से लेके बड़ी एज तक वालों से करवा सकते हैं, और उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये कर सकते हैं। जैसे किसी के हाथ पैर में प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं दे सकता है, तो उसके लिए ये अच्छा है। तो इसमें जो है जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होते हैं उसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट मैट्रिसेस होते हैं, पर कुछ जैसे ओल्डर बच्चे हैं जिनको मेंटल रिटार्डेशन है तो उनके लिए फिर जो है कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होते हैं, तो उसमें जो है ये मैट्रिसेस कलर्ड होते हैं क्योंकि वो उनके लिए ब्लैक एंड व्हाइट में जो है फोकस करना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि मेंटली रिटार्डेड हैं, तो उसमें उनके लिए कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं। फिर जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो मैंने स्टैंडर्ड वाला बताया, ब्लैक एंड व्हाइट वाला बताया,
उसमें क्या होता है कि स्कोर्स जो है ना बड़े क्लब्ड से आते हैं, क्लब से आते हैं, मतलब बहुत हाई स्कोर्स लोगों के मिल जाएंगे एक साथ, जैसे कि किसी का 45 आ रहा है, किसी का 43 आ रहा है, किसी का 47 आ रहा है, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 60 सॉरी। तो ऐसे क्योंकि हर मैट्रिक्स का एक स्कोर है ना, 5 × 12 इज इक्वल टू 60, 60 में से जैसे मान लो 50 भी आ रहा है, 52 भी आ रहा है स्कोर, तो वो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, तो उनके स्कोर लगभग बराबर से आते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर एक होता है एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। सो वहाँ पे अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो फिर डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो ये तीन होते हैं। फिर जो वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल होता है उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन सब टेस्ट होता है, इसकी मार्किंग जुड़ती नहीं है ओवरऑल आईक्यू में, तो लेकिन होता है इसमें आईक्यू टेस्ट करने के लिए कि जो प्रोवर्ब्स हैं वो पूछी जाती हैं। तो प्रोवर्ब में क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी कहावत है जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि कोई काम नहीं करना चाहता है तो बहाने बना रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट इंसान समझता है कि नहीं समझता है। जैसे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल में जो है वन स्वालो डजंट मेक ए समर, एक कोई छोटा सा काम हो गया इसका मतलब नहीं कि सब कुछ हो गया है ना, तो ऐसे जो ये कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं इसलिए किया जाता है। ये एनालॉजीज एंड प्रोवर्ब वाला, ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है। सो यस सर। परफॉर्मेंस टेस्ट में जो है जो काफी कॉमनली यूज है वो ईगॉन वाइटल टेस्ट है, कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट है। तो इसमें जो है दो तरीके से हम कर सकते हैं, जो कई सारे कार्ड्स होते हैं उनमें कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन या ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इंडिविजुअल को बोला जाता है कार्ड देके कि इसको जो है अपने हिसाब से किसी भी टाइप से कार्ड को सॉर्ट करो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। जैसे कि कोई हो सकता है कि सेम कलर के कार्ड्स को कर दे, कोई सेम शेप के कार्ड्स को कर दे, कोई सेम नंबर वाले कार्ड्स को कर दे, तो ये उसकी आइडिएशनल लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी हमें बताती है। फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर तरीके से कार्ड्स को सॉर्ट आउट करें, फिर उससे पूछे बताओ इसमें जो है हर कैटेगरी में क्या कॉमन है, तो इस तरीके से हम उसकी एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्सेप्चुअल लेवल की थिंकिंग को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से बाकी के टेस्ट भी यही है, जैसे वीगल गोल्डस्टीन स्ट्रीजर कलर फॉर्म सॉर्टिंग, इनमें भी वही चीज़ है। तो इसमें जो है वही कंसेप्चुअल लेवल की हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कराते हैं। सो देन कलर सॉर्टिंग टेस्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझो। तो इसमें जैसे कि हमने कोई वूल के जो है कोई मटेरियल, एक टेस्ट मटेरियल, इसमें वूल होता है, तो वूल जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं वूल्स, और उनमें कलर में भी सेम कलर में ब्राइटनेस डिफरेंट होगी। ठीक है, मतलब सेम कलर में भी ब्राइटनेस भी डिफरेंट होगी, कलर भी डिफरेंट होंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स होंगे। फिर उसको बोला जाएगा कि भाई इनको जो है एक साथ क्लब करो अपने हिसाब से कैसे भी, तो वो कलर के हिसाब से, सेम कलर के हिसाब से भी कर सकता है, सेम ब्राइटनेस के हिसाब से भी कर सकता है ना, या ऑपोजिट कलर्स को भी पेयर कर सकता है, डिपेंड करता है वो कैसे करेगा। तो हमें उसकी एक तो ये देखनी है आइडिएशनल लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी की, वो कैसे कैसे कर सकता है। फिर हम यही काम हम खुद भी कर सकते हैं कि हम उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड अपने हिसाब से क्लासिफाई करके और रखें, उससे पूछे कि बताओ इनमें क्या कॉमन है, तो वो बताएगा। फिर एक जो है हम और टेस्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम तीन जो है वूल के स्ट्रैंड लेते हैं, तो तीन जो वूल के स्ट्रैंड लेते हैं उसमें जो है दो के जो है कलर सेम होंगे और आप दो के आपस में जो ब्राइटनेस है वो सेम होगा। मतलब जैसे सपोज हमने एक ग्रीन लिया कम ब्राइटनेस का और दूसरा ग्रीन लिया ज़्यादा ब्राइटनेस का, और एक हमने जो लेटर से कि रेड लिया वो ज़्यादा ब्राइटनेस का है, तो अब हम कैसे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ना, या तो हम ग्रीन के बेसिस पे दोनों को एक साथ कहें कॉमन, या हम ज़्यादा ब्राइटनेस की बेसिस पे रेड और ग्रीन को कॉमन कहें, तो हम जो है ये तीनों एक साथ रख के और उससे जैसे बीच में हमने रेड रखा और रेड के दोनों साइड में
एक ग्रीन कम ब्राइटनेस वाला, दूसरा ग्रीन ज्यादा ब्राइटनेस वाला रखा, तो जो है या कैसे भी रख सकते हैं, हम दोनों ग्रीन एक साथ करें और एक्सट्रीम राइट में जो है हमने ज्यादा ब्राइटनेस वाला रेड रखा, तो दोनों ग्रीन दिखा के उसे पूछा बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है, तो उसको बोलना चाहिए कि ग्रीन कलर कॉमन है। फिर जो है ग्रीन और रेड जो ज्यादा ब्राइटनेस वाले हैं उनको दिखा के बोले बताओ इनमें क्या कॉमन है, तो उसको बोलना चाहिए कि ज्यादा ब्राइटनेस कॉमन है। तो ऐसे जो है कॉन्सेप्ट लेवल पे और एक्सट्रैक्ट लेवल पे ये ऐसे टेस्ट किया जाता है। ये समझ में आ गया ना? ओके, देन नेक्स्ट इज हॉल सीट कैटेगरी टेस्ट। अगेन ये कैटेगराइजेशन वाला ही है। सो कैटेगराइजेशन जो है बिना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के हो ही नहीं सकता है। तो वही अभी अपने विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट जो वीगल टाइप कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट मिला था वही सब इसमें इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आगे इसका डायग्राम आएगा तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो अब देखो ये दो डिफरेंट तरह की थिंकिंग इस्तेमाल होती है कि आप कोई कैटेगरी बनाओ इसमें डिफरेंट थिंकिंग इस्तेमाल होगी, और कोई दूसरा जो है डिफरेंट कैटेगरी बनाए और आप उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करो इसमें डिफरेंट तरह की थिंकिंग इस्तेमाल होगी, है ना। आप कैटेगरी जो बना रहे हो उसमें इंडक्टिव रीजनिंग हो रही है यूज, इफ यू आर मेकिंग ए कैटेगरी इंडक्टिव रीजनिंग हो रही है, दूसरे ने कैटेगरी बनाई है तो वहां पर डिडक्टिव रीजनिंग यूज हो रही है। सो इस तरह से हम उसकी इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों रीजनिंग को यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें प्रॉब्लम है या नहीं। ये बात समझ में आ गई ना? ओके, सो अभी विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट को आगे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जो ये जो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ जहाँ मेरा कर्सर है विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट, करेक्ट आंसर इज द स्टिमुलस एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म कलर और नंबर। फॉर्म मतलब कोई शेप है, डायमंड शेप है, सर्कल शेप है, ट्रायंगल है, जो भी है, और उनमें भी कलर होंगे और नंबर भी, जैसे किसी में एक सर्कल है, किसी में दो है, किसी में तीन है, तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो कैटेगरी टेस्ट में क्या है, करेक्ट प्रिंसिपल इज ए रूल रिगार्डलेस ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द स्टिमुलाई, मतलब शेप कोई भी हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकता है, तो हम कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं, फॉर्म के बेसिस भी कर सकते हैं, नंबर के भी कर सकते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाली ग्रीन वाली लाइन है, पीयर रिपोर्टेड ओनली 30% शेयर्ड वेरियंस बिटवीन द टू प्रोसीजर। तो जो अभी मैंने बताया था कि हम कैटेगरी फॉर्म कर रहे हैं या कैटेगरी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें शेयर्ड वेरियंस 30% का है। तो मतलब ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, मतलब 70% डिफरेंट है ये, ठीक है। देन हॉल सीट कैटेगरी टेस्ट, हाँ इसमें भी क्या होता है कि ये एक कंप्यूटर पे जो है इंडिविजुअल को ऑब्जेक्ट्स दिखाए, टेस्ट सिमुलाई दिखाए जाते हैं, और उसको बोला जाता है कि इसके बेसिस पे तुमने किस स्टिमुलस के बेसिस पे क्या रिस्पॉन्स देना है। जैसे लेटर से कि हमने बोला कि अगर इस पे ग्रीन आए तो तुमने 1 प्रेस करना है, रेड आए तो तुमने 2 प्रेस करना है, येलो आए तो 3, ऐसे हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज बता दिए, और फिर कंप्यूटर पे जो है वो आते जाएंगे स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्ड करता जाएगा। तो 4 नंबर की डिफरेंट उसको बता देंगे, इसको प्रेस करते रहना, तो जब वो करेक्ट प्रेस करेगा तो प्लेजेंट चाइम आएगी साउंड, और अगर वो रॉन्ग आंसर प्रेस कर रहा होगा तो रैस्पिंग बजर बहुत तेज जो है अनप्लेजेंट सी साउंड आएगी। तो ये भी जो है हमको बताता है कि उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो प्रिंसिपल हमने बताया था किस बेसिस पे क्या करना है, द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो इसमें जो है ऑब्वियसली जो है कितने करेक्ट रिस्पॉन्सेस है वो भी नोट होते हैं, टोटल एरर्स कितनी हैं वो भी नोट होती हैं। तो इसमें जो है कुछ जो है कॉन्सेप्ट स्पेशल होते हैं कि भाई कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इस तरह से डिफरेंट होते, तो वो भी स्पेशल वाला भी होता है। नाउ कम्स विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्ट टेस्ट जो मैं बोला था आगे बताएंगे। तो इसमें जो है नीचे फिगर बने हुए हैं वो दिखाता हूँ, ये जो फिगर्स हैं इनको देखो जो मैं बोल रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है, अब इसमें ब्लैक एंड वाइट फोटो है बट कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे ये ट्राइंगल है इसमें डॉटेड है, ये ट्राइंगल है ये ब्लैंक है, ये ट्राइंगल है इसमें लाइन है, लाइकवाइज ये स्टार है ये डिफरेंट कलर का होगा, ये भी 2 स्टार हैं लेकिन ये डिफरेंट कलर के होंगे, है ना। तो ये 3 प्लस के निशान है, ये भी 3 प्लस के निशान, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे। सो इसी तरह से जो है
ये चार डॉट्स हैं, ये भी चार डॉट्स हैं, डिफरेंट कलर के होंगे, तो ये ट्राइंगल है, ये डिफरेंट, अब ये भी तीन ट्राइंगल है, ये भी तीन ट्राइंगल है पर डिफरेंट कलर के होंगे। तो ऐसे हम कैसे भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं खुद, और कोई हमको जो है बनाने बना के दिखा रहा है तो हमको ये बताना है कि उसने कॉन्सेप्ट क्या चूज किया। तो इसमें जो है क्या होता है, टोटल 128 कार्ड्स होते हैं, 128। तो वो कार्ड्स जो है जब वो एग्जामिनर जो है कॉन्सेप्ट बना रहा होता है, वो क्या करता है कि पहले पहला कार्ड डालेगा, फिर जो भी उसके मन में कॉन्सेप्ट है, लेट अस से ट्रायंगल वाला उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, तो उसने फिर डिफरेंट कलर का ट्रायंगल डाला, है ना, फिर तीसरी बार फिर उसने डिफरेंट कलर का ट्रायंगल डाला, तो एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये ट्रायंगल जो है इनका कॉमनैलिटी है, तो उसने जो है बोला कि भाई ये जो है कॉमन चीज ट्रायंगल है, फिर चेंज फिर जो है वो चेंज करेगा अपना पैटर्न एग्जामिनर। फिर अब उसने जो जैसे दो स्टार वाला डाला, फिर जो है फिर दो स्टार वाला दूसरे कलर का डाला, फिर जो है दो ट्राइंगल वाला डाला डिफरेंट कलर का, फिर दो प्लस वाला डाला डिफरेंट कलर का, तो फिर उसने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा टू इज़ द कॉमन थीम, तो वो बोलेगा कि भाई टू इज़ द कॉमन थीम। तो इस तरह से जो है वो कॉन्सेप्ट को चेंज करता रहेगा एग्जामिनर, और जो एग्जामिनी है वो कॉन्सेप्ट क्या है वो बताता रहेगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो 128 कार्ड्स हैं वो पूरे एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमको जब तक कार्ड एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक हमने उसको बताना है। तो इसमें कैसे हम उसको पता करेंगे कि वो टोटल एरर उसने कितनी करी है, वो जैसे उसने गेस करने में मिस्टेक कर सकता है ना, कि स्टार्टिंग में ही उसने गेस मिस्टेक करी, तो मिस्टेक्स को हम नोट करेंगे, और उसने कितनी कैटेगरीज अचीव करी, जैसे अगर उसने 6 कैटेगरी अचीव कर ली तो वो नॉर्मल है, फिर तो आगे करने का कोई फायदा नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि इसमें एक एरर भी हमको देखने को मिलती है, जैसे उसने सपोज मेंटली कोई एक प्रिंसिपल बनाया, एरर थी, और उसके बेसिस पे ही वो आगे चलता रहा, अपने खुद की कॉन्सेप्ट को उसने चेंज नहीं किया एग्जामिनी ने, तो वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ये दिखाती है ये बात की, इसी से कहते हैं प्रिजर्वेटिव एरर, कि जो भी उसने कॉन्सेप्ट बनाया बस उसी पे चलता जा रहा है, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, करेक्ट नहीं कर पा रहा है मिस्टेक बताने के बावजूद भी कि इट इज़ इनकरेक्ट। सो ये भी इसमें हम देख सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दैट, और देन कॉफमैन कैसन इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि देर आर 20, ये भी लगभग उसी टाइप का है जो कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट है, उसी के हिसाब का है। तो इसमें जो है ब्लॉक्स होते हैं इंस्टेड ऑफ कार्ड्स, इसमें जो है थ्री डायमेंशनल हो जाएगा, तो ब्लॉक्स होते हैं, तो 22 डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट कलर साइज शेप और हाइट के। तो इसमें जो है पहला पार्ट जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग का होता है, कि भाई वो कितने तरीके से इन ब्लॉक्स को अरेंज कर सकता है, कि कलर के हिसाब से कर सकता है, साइज के हिसाब से कर सकता है, शेप के हिसाब से कर सकता है, हाइट के हिसाब से कर सकता है, तो ये उसका देखा जाएगा। फिर हम भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से अरेंज करके उससे पूछें कि बताओ इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसको क्यू भी हम दे सकते हैं, अगर वो मिस्टेक बार बार किए जा रहा है तो हम उसको करेक्शन के लिए क्यू दे सकते हैं, इनिशियली क्यू नहीं देंगे, इफ़ यू सी द पर्सन इज एबल टू अनएबल टू फाइंड आउट द करेक्ट थिंग तो उसको देंगे। तो और ऑब्वियसली इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो वो होगा। तो इसमें जो है स्कोर्स में वही होगा जो मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितनी है। फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, जो वो खुद अरेंज करेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, हमारे किए हुए को जब वो एक्सप्लेन कर रहा है तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो इसमें भी कलर जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों थिंकिंग टेस्ट हो जाएंगे। तो कितने करेक्ट उसने बताए वो उसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक इसमें 21 क्वेश्चन टास्क होता है, डिफरेंट एक टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि उसको बोला जाएगा यू कैन आस्क 21 क्वेश्चंस, हमारे दिमाग में जैसे मैंने कोई चीज सोची तो फिर जो है यू कैन आस्क डिफरेंट 21 डिफरेंट क्वेश्चंस, बट यू हैव टू टेल द नेम। तो जैसे उसने पहला बोला कि लिविंग बींग है कि नॉन लिविंग बींग है ना, तो उसने बोला कि जैसे लिविंग बीन है, तो फिर वो मेल है कि फीमेल है,
ऐसे ना 21 डिफरेंट क्वेश्चंस में पूछ सकता है, एलिमिनेट होते जाएंगे जो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ पूछ को अल्टीमेटली उसको वहां तक पहुंचना है जो कंसेप्चुअल लेवल पे सोचा है एग्जामिनर ने. तो वो ऑब्वियसली अगर लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट लेवल की और कंसेप्चुअल थिंकिंग अच्छी होगी तभी कर पाएगा इंसान, वरना नहीं कर पाएगा. तो ये भी एक गेम है, खेला भी जाता है कई घरों में. तो दिस इज ऑल्सो कि वो जो है जिस लाइन पे सोच रहा है वो लाइन लॉजिकल है या नहीं है, या बस ऐसी रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें कोई कॉमन थीम नहीं है, कुछ आंसर कभी आ ही नहीं सकता इस तरीके से वो पूछ रहा है. तो जब व्हेन द टास्क आर ऑफ कंसेप्चुअल नेचर स्टिमुलस जनरलाइजेशन इज रेफर्ड टू एज इक्विवेलेंस रेंज. अगर सेम चीजों के लिए हम कोई चीज जनरलाइज कर रहे हैं तो इक्विवेलेंस रेंज कहेंगे. ठीक है, तो उसमें जो है हम जो डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टिमुलस होते हैं उसमें कॉमन चीज हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि इसमें सेम चीज क्या है. जैसे हमें डिफरेंट डिफरेंट लोग दिखाए गए, डिफरेंट एज के दिखाए गए, तो हमने जो है डिफरेंट एज देखा, कॉमन ये देखा कि सभी के सभी मेल हैं या सभी के सभी फीमेल हैं, है ना, ये कॉमन चीज़ होगी. फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं कि भी मेल्स के ऊपर ये चीज़ें जनरलाइज कर सकते हैं, फीमेल्स के ऊपर ये कर सकते हैं. सो ये जो है दिस इज रेफर टू एज इक्विवेलेंस रेंज आता है. ठीक है, सो जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया था कलर सॉर्टिंग वाला, जो वूल वाला जो एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें जो है जो कलर है एक तो वो जो है इक्विवेलेंस रेंज हो गया, और दूसरा जो इक्विवेलेंस रेंज ब्राइटनेस हो गया, तो फिर हम जनरलाइज कर सकते हैं इस तरीके से. तो ज्योमेट्रिक फिगर्स के भी ऊपर हो सकता है कि सर्कल है, ट्राइंगल है, तो सर्कल बड़ा हो, छोटा हो, आधा हो, सर्कल की प्रॉपर्टीज तो उसमें रहेंगी रहेंगी. फिर ट्राइंगल भी, चाहे वो किसी भी शेप का हो, ट्राइंगल्स की क्वालिटीज उसमें रहेंगी रहेंगी. सो डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो ये सब जो है इक्विवेलेंस रेंज वाले एग्जांपल में आते हैं. सो जो ब्रेन डैमेज लोग होते हैं उनमें बहुत नैरो जो है इक्विवेलेंस रेंज होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जब कॉमन चीज़ें होंगी तभी जो है वो उसमें कॉमन जनरलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज वो जनरलाइज नहीं कर पाएंगे. जैसे अगर हम कलर की बात करें तो कलर जब बहुत ज़्यादा सेम होगा तब वो कहेंगे हाँ ये दोनों सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस जो है ज़्यादा होते ही उनको डिफरेंट कलर लगेगा वो. ठीक है, या हमने उसको जो है डिफरेंट एज के लोग दिखाने शुरू किए, तो अगर हमने उसे छोटे बच्चे से लेके और 40 साल तक का दिखाया तो अब ये जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ एज में सबसे छोटे और सबसे बड़े में, तो वो कॉमन चीज़ नहीं ढूंढ पाएगा कि इनमें जेंडर कॉमन चीज़ है. जब उसे हम मान लो सभी जो है रफली 40 के आसपास की एज के दिखाएं तब वो कह पाएगा हाँ इनमें कॉमन चीज़ है कि सब मेल है. सो ये ब्रेन डैमेज लोगों में नैरो इक्विवेलेंस रेंज होती है. ठीक है, देन जो एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉसिबल का मतलब है कि जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में कोई जो है हम कंसेप्चुलाइज करें चीज़ों को, उसके बारे में सोच पाएँ, ये जो है एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉसिबल है. तो जैसे ये एक ब्लॉक डिज़ाइन, को ब्लॉक डिज़ाइन होता है, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन इट नॉट नॉट, उसमें जो है यही प्रॉब्लम दी जाती है कि कई जो है ब्लॉक्स होते हैं वो रखे जाते हैं एक ट्रे में, और उसमें वो जो ब्लॉक्स हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं, और सामने एक डिज़ाइन रखा होता है कागज़ पे बना हुआ, तो उस डिज़ाइन को देख के जो है इन ब्लॉक्स को मूव करके बनाना होता है. तो अभी डिज़ाइन जो है उन्होंने बनाया नहीं है और कैसे मूव होगा उनको पता नहीं है, तो लेकिन पॉसिबल है ये उनको पता है, तो वो ट्राई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट. तो ये एटीट्यूड टुवर्ड्स द पॉसिबल है. और दूसरा जो है एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का चैलेंज, ये को हम ऐसे चैलेंज कर सकते हैं कि उसमें कोई लॉजिकल इन्फ्रेंस निकालना चाहिए. अगर लॉजिकल इन्फ्रेंस नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थोड़ी है, वो तो फिर ट्रायल एंड एरर हो गया, कुछ भी हो गया. तो कोई प्लान होनी चाहिए, कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे कि सबसे कम स्टेप्स में ऐसे ही सॉल्व हो सकता है ना, या सबसे फास्ट ऐसे सॉल्व हो सकता है. तो इस तरह से कोई ना कोई चीज़ तो उसमें होनी चाहिए थी.
तो अगर हम फ्यूएस्ट स्टेप में जो है सॉल्व करने की बात करें तो इसमें जो है इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो काम आती है। ठीक है, अब जैसे इसके कई टेस्ट हैं, एक तो मैंने अभी बता दिया ये 21 क्वेश्चन गेम टास्क है, वो चीज़ जो भी चीज़ें पता करनी है जो सबसे कम पॉसिबल क्वेश्चंस में पूछ पा रहे हो तो इसका मतलब लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है ना। दूसरा जो है एक एरन टेस्ट है कि जैसे मान लो एक शॉपिंग मॉल का जो है डायग्राम दिया है कि उसमें कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है और ये सारे सामान तुम्हें परचेज करने हैं तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा मूव अराउंड करने का कि सारे सामान भी हम ले लें और सबसे कम चलना पड़े, है ना। सो ये शॉर्टेस्ट एरन टेस्ट हो गया। या सिटी में हमको कई काम करने हैं तो वो कई काम जो है शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा करने का वो बताओ, या सबसे कम टाइम कैसे लगेगा वो, मान लो दो से अधिक काम एक कोई काम है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो वे जाते में हमने उसको पहले वो दे के आ गए और लौटते में पिकअप कर लिया तो टाइम सेव हो गया। तो इस तरह से जो है अंडरलाइन थीम पता लग जाएगी। देन एक टावर ऑफ हनोई वाली प्रॉब्लम होती है, उसमें जो है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो वो ये है कि उसमें जो है डिस्क होती हैं डिफरेंट साइजेस की, वो तीन डिफरेंट जो है पोल्स होते हैं उसमें से एक पोल में होती हैं तो फर्स्ट टू लास्ट में जो है ले जाना होता है, पर कंडीशन ये है कि जो छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आएगी, है ना, और एट ए टाइम एक ही डिस्क मूव होगी। तो इसमें भी वही है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल स्टेप्स कैसे लिए जाएं। तो दीज आर द टेस्ट विच टेस्ट द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंडक्टिव रीजनिंग जो है। देन व्हाट एल्स इज देयर, हाँ ये तो मैंने बता ही दिया, मल्टीपल मॉडिफाई सिक्स एलिमेंट टेस्ट, फिर पार्टिसिपेंट, हाँ तो पार्टिसिपेंट इज असाइंड प्रैक्टिकल टास्क एंड इज स्कोर्ड फॉर एफिशिएंसी एंड सक्सेस विद विच दीज टास्क आर परफॉर्म। बस कैसे भी हो गए नहीं, उसने कैसे किया है वो भी हमें फोकस करना है। गलती से भी तो हो सकता है कि हो गए हो, तुक्का लग गया हो, तो हो भी गया तो फिर उससे पूछना है कि अच्छा तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे किया था, तो बताएगा, उससे हमें पता लग जाएगा उसकी थॉट प्रोसेस में कोहरेंस है कि नहीं है। देन कम्स रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी एंड लिमिटेशंस। सो ये जो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी काम आते हैं ये जो टेस्ट हैं, क्योंकि वो ब्रेन का वो पर्टिकुलर पोर्शन काम नहीं कर रहा है तो वो टेस्ट कर ही नहीं पाएगा जहाँ पर एक पर्टिकुलर तरह की थिंकिंग को ही चाहिए। सो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इसको एप्लीकेबिलिटी में, कि ये दो तरह की पॉपुलेशन के लिए काम नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको ये टेस्ट बड़े इजी से लगेंगे ना, तो वो बोर हो जाएगा, कर उसको करेगा ही नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी दे गए नहीं तो उसका इंटरेस्ट मेंटेन नहीं रहेगा। या किसी का ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये टेस्ट डिज़ाइन ही जो है ब्रेन डैमेज लोगों के लिए किए गए हैं, तो जिनका एक पर्टिकुलर रेंज में जो है ब्रेन डैमेज होगा उन्हीं का जो है असेसमेंट हम ढंग से कर पाएंगे। कोई बहुत माइल्ड डैमेज है, ना के बराबर डैमेज है, या बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो हम ये टेस्ट उन पर नहीं कर पाएंगे। ये है तो कॉन्टीन्यूम की प्रॉब्लम है। सो क्रॉस कल्चरल कंसिडरेशन भी होते हैं लोगों के, कि ये जो टेस्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर कल्चर में कोई चीज़ नहीं है तो बेचारा कैसे उसको कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, वो समझ में नहीं आएगा क्या करना है, एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि जो जैसे कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है या किसी को दिखाई नहीं देता या किसी के हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो उनसे ये टेस्ट हम कैसे करवाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो और दूसरा इशू ये है कि अगर कोई चलने फिरने लायक ही नहीं है, पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे उसके साथ में। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टू इम्पेयरमेंट कोई टेस्ट नहीं है कि भाई अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है या विजन इम्पेयर्ड है तो उसके लिए अलग टेस्ट है, या किसी की मोटर एबिलिटीज नहीं है तो उसके लिए अलग टेस्ट है, ऐसा नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। हाँ ये हम कर सकते हैं अपने लेवल पे कि जैसे मान लो कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको साइन लैंग्वेज से समझाएं और फिर उससे करवाएं, पर प्रॉब्लम ये है कि साइन लैंग्वेज आती नहीं हो तो क्या करें, या कोई जो है हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको बोल के समझाएं पर हो सकता है बोल के समझाने में उतना समझ ना पाए। फिर कोई चलने फिरने लायक नहीं तो हम ये कर सकते हैं उसके बेड के पास जाके उससे करवाएं कंप्यूटर के जरिए जो सेंसर्स वगैरह उसके ब्रेन से कनेक्ट करके,
तो ये किया जा सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये इस तरह से करोगे तो दे आर नॉट स्टैंडर्डाइज, तो रिजल्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज, ये दो चैलेंज इसमें की हैं। देन ये इसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट इट। इन टेस्टों में से किसी के बारे में कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।